गाइस, आपने एक चीज सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये जिंदगी होती है अगर अकेले रहो तो। आई डोंट नो लोगों का टेस्ट कैसा है। साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, इसकी अलग ही खुशी है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरी बेइज्जती मत करना। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really really great. But I am not doing great at all. आपको मेरी शक्ल देख के समझ ही आ रहा होगा। Look at my eyes, इतनी swell हो गई है। I don't know why. Maybe because of minimum rest or something. Because रात को भी मैं मतलब थोड़ा लेट ही आई थी शाम में, उसके बाद खाना बनाना ये सब एंड व्लॉग एडिट करने के चक्कर में मैं सोई भी काफ़ी लेट थी। और अभी सुबह एक अलार्म लगाया था जल्दी उठने का, बिकॉज़ जिस काम की वजह से मैं यहाँ आई हूँ वो काम मुझे आज ही ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं आपको दिख रही हूँ रेडी होती हुई, अभी आधी अधूरी रेडी हुई हूँ। बट आज एक अच्छी चीज़ है कि मुझे बंद नहीं करना है, बिकॉज़ मैं ऑफिस के अंदर नहीं जा रही हूँ। जस्ट मुझे जो भी काम है 5-10 मिनट का वो करूँगी, और फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट में मैं अभी खा रही हूँ ये ब्रेड और जैम लेकर आई हूँ। कुछ तो खाना है यार, भूखे पेट खाने जाने से बेटर है कुछ तो खा लो। प्लस मुझे मेडिसिन लेनी थी एक एम्प्टी स्टमक, वो भी मैंने ले ली है, तो ये खाते हैं। ज़्यादा तो नहीं खाऊंगी, आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू हैव वन ब्रेड। आप सोच रहे होंगे एक ब्रेड कौन खाता है, बट मैं एक ही खाने वाली हूँ। और स्पून की जगह मैं बटर नाइफ ले आई हूँ। आई डोंट नो जैम के लिए क्या यूज़ करते हैं, बटर नाइफ करते हैं या स्पून करते हैं, आई रियली डोंट नो। कमेंट सेक्शन में बताना, अगली बार वही यूज़ करेंगे हम भी। बटर के लिए तो आई नो कि बटर नाइफ ही यूज़ होता है, बिकॉज नाम में ही बटर है। बट जैम के लिए आई डोंट नो कि। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी बेइज्जती मत करना। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ऐसे करते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम वही करूँगी। तो यहाँ लग गया है ब्रेड पे जैम। हाय गाइस, सो आई एम ऑल सेट टू गो, रेडी मैं हो चुकी हूँ और आज पहली बार जा रही हूँ पोनी में। बहुत अच्छा लग रहा है यार, इसकी अलग ही खुशी है। सो चलो अब निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया यार, जल्दी जल्दी निकलते हैं। मुझे मिल गया था एक ऑटो वाला जो मुझे पागल बना रहा है, 350 रुपये लूँगा और छोड़ दूंगा, यहाँ से आपको बस भी नहीं मिलेगी, दिस एंड दैट। तो फाइनली आई गॉट बस ऑल्सो, इमेजिन। दिल्ली में लोग इतना पागल बनाते हैं ना कि पूछो मत। मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ है, उसका बैग लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या दूसरी बस में छूट गया है, और उसको बोलते हैं उतरो अब। इट्स क्रेजी। एंड सीरियसली यार, वो ना घर पे आई थिंक अपनी मम्मी से बात कर रहा था एंड आई वॉज़ फीलिंग सो बैड फॉर हिम। लोगों को एटलीस्ट थोड़ा समझना चाहिए यार कि आप भी इस सेम पोजिशन में हो सकते हो, सो एटलीस्ट कंसीडर। सो मैं आपको ये व्लॉग में बताना ही भूल गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। सो मैं जा रही हूँ अपने फिंगरप्रिंट्स देने फॉर माई AEP। सो गाइज, आई एम डन विद माई दिस थिंग जिसके लिए मैं आई थी, और हार्डली 4 मिनट का काम था, 4 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का, और उसके लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ी कि पूछो मत। सो गाइज, अपना काम फटाफट ख़त्म करने के बाद मैं निकल गई घर वापस जाने के लिए, और T2 पे मुझे ये बस दिखी तो मैंने कंफर्म किया कि क्या ये बस T1 जाएगी, और इनफैक्ट लिखा भी था, तो मैं बैठ गई। 10 मिनट मुझे बस में बैठे बैठे हो गए, लेकिन ये बस चलने के लिए रेडी ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, ही वॉज़ लाइक कि
10-15 मिनट्स का फ्रीक्वेंसी है, इसलिए 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद ये बस चल पड़ी। मैंने बोला चलो ठीक है, जहाँ मैंने 10 मिनट वेट कर लिया है 5 मिनट और सही, तो मैं बैठी रही और इसी बस में मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। और इस स्टेप तक मुझे दोनों बसेस में डिफरेंस पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं ये वाली बस को फेडर बस, और जिसमें मैं नॉर्मल आती हूँ वो कुछ और ही बस है, डोंट नो उसका क्या नाम है। और बैठने के बाद मुझे 40 रुपये का फटका पड़ा, तो मैंने पूछा कि भैया वो लेडीज़ के लिए तो फ्री होता है ना, तो बोलते हैं वो दूसरी बस में, तो यहाँ हो गया मेरा पोपट। बट ठीक है, इट्स ओके, मैं एटलीस्ट घर पहुँचना चाहती थी, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और थोड़ा टायरिंग फील कर रही थी, बहुत रेस्टलेस लग रहा था। और ये देखिए, घर पहुंचते ही मुझे डोरस्टेप पे दिख गया ये मेन्यू, मतलब भगवान भी बोलता है कि नहीं मेरा जंक फूड खा ले। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और मेरे घर के पास ना एक बहुत फेमस बेकरी है, बहुत बार देखा है लंबी लंबी लाइन लगी होती है छोले भटूरे खाने के लिए। मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ, और जब भी मैं गई हूँ ना, 2-3 बार तो चली गई हूँ, वो बोलते हैं मैम ख़त्म हो गए हैं। आज मैंने पूछा कि भैया है, तो बोलते हैं हाँ बहुत है। तो मैंने बोला मेरी चांदी, जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही है भूख। चलो आपको भी दिखाते हैं क्या क्या मिलता है उसमें, और कितने की है और टेस्ट कैसा है। चलिए, वो ऐसे आपको कुछ प्लेट मिलेगी, आप बैठ के भी खा सकते हैं और घर पे भी पैक करा सकते हैं। तो इसमें एक प्लेट में 2 भटूरे होते हैं, और इसमें है, मैं बता दूँ, ये है छोले ऑफ कोर्स, ये है आलू की सब्ज़ी, ये है हरी चटनी, ये प्याज, और ये है अचार। और रेट इसका है मात्र 50 रुपये। अब टेस्ट की बारी आती है, चलो खा के देखते हैं। ठंडी हो गई है पूरी, पूरी मतलब भटूरे, हमारे वहाँ पे पूरी बोलते हैं इसलिए। अभी मैंने सिर्फ छोले के साथ खा के देखा, चटनी के साथ ऑब्वियसली टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, लेट मी ट्राई दैट ऑल्सो। और उन्होंने किसी एक के पार्सल में आलू नहीं डाले थे, तो बंदा झगड़ा करने लगा कि आलू तो है ही नहीं इसमें, मेन तो वही होता है। अचार अच्छा नहीं है, बिकॉज इसमें जो खट्टा है वो विनेगर का डाला है, जो अपने हिसाब से खट्टा होता है ना, यू नो, अचार को रख दो और फिर वो अपने आप खट्टा हो जाता है, नेचुरली खट्टा नहीं है, सिरके से खट्टा किया गया है, तो मुझे अचार पसंद नहीं आया। आलू की सब्ज़ी के लिए बंदा इतना झगड़ा करता, लेट मी टेस्ट दैट ऑल्सो। ओके, मैं चटनी के साथ ट्राई कर रही हूँ अब। ओके, आई डोंट नो इतना फेमस क्यों है, द टेस्ट वाइज ओके ओके लगा। आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खाऊंगी, आप एक टाइम ट्राई कर सकते हो, बट दिल्ली का खाना अच्छा होता है, आई थिंक इससे बेटर आपको कहीं और मिल सकता है। गाइज, आपने एक चीज़ सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मेरे साथ वही हो गया। मैंने इतना भाषण दिया कि बहुत फेमस बेकरी है, लाइन लगी रहती है, आई डोंट नो लोगों का टेस्ट कैसा है। मैं यहाँ पे खाना शुरू की थी और दिखाए थे मैंने प्लेट में आपको 2 भटूरे, और ये देखो एक ही खा पाई हूँ, दूसरा अभी आधा बड़ा हुआ है, मेरे से खाया नहीं जा रहा है। प्लस अगर इतनी अच्छी होते भटूरे और छोले, तो एटलीस्ट छोले तो ख़त्म हो जाते, एटलीस्ट आलू तो ख़त्म हो जाते, कुछ भी ख़त्म नहीं हो पाया है। बिकॉज इट वॉज एवरेज, इट वॉज नॉट वाओ, इट वॉज नॉट इवन गुड, एवरेज। अगर खाना है तो खाओ, अपने पैसे बर्बाद करने तो करो, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो फिलहाल मेरा खा के हो गया, इतना ही मैं खाऊँगी, आई कैन नॉट ईट मोर। और फेस वॉश करके आज मुझे घर की कर रही है सफाई, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 1-1.5 घंटा, बिकॉज थोड़ा बैक पेन का इशू है मुझे, जाके मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है, आई हैव टू टेक मेडिसिन ऑल्सो, तो उसके बाद आपसे मिलेंगे। गाइस, मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं सो जाऊंगी और उसके बाद उठ के थोड़ा साफ़ सफाई करूंगी, जो बिल्कुल नहीं हो पाया है, मैंने सोचा था लेकिन हो नहीं पाया। नहा के 6 बज गए मेरे को, और 6 बजे मैं अभी खाना खा रही हूँ, मुझे लग गई है भूख। अगेन दिस शिमला मिर्ची की सब्ज़ी जो मैंने कल बनाई थी, एंड ब्रेड। ये ज़िंदगी होती है अगर अकेले रहो तो, सोच समझ के बाहर निकलना, जिसने अपना घर छोड़ के बाहर निकलना है। गाइस, नहाने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आई डोंट नो कैसे शाम में नहाई हूँ, शायद ये रीज़न था, एकदम से ऐसे बॉडी पेन और थोड़ा फेवरेज टाइप फील होने लगा, पर वापस लेट गई। और अभी जाके थोड़ी
ठीक लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो मेरे फेस पे ऐसा मेरे को ना स्वेलिंग काइंड ऑफ फील हो रही है, आप ही बताना अगर आपको लग रहा है तो, ताकि मैं डॉक्टर को जाके कंसल्ट करूँ। और थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, सुबह का मैंने खाना अच्छा खा लिया है, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हिम्मत नहीं थी तो मैंने बना लिया अपने लिए ये रेडी टू ईट पास्ता। और थोड़े टाइम में मेडिसिन खाऊंगी और थोड़ी रेस्ट करूंगी, और आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग भी कल के लिए एडिट करना है तो वो करूंगी, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।